बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि जो हिमाचल के लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान फंसे हैं, उन लोगों का उचित स्वास्थ्य टेस्ट करवाकर हिमाचल लाने का प्रावधान किया जाए, ताकि ये लोग यहाँ आकर अपने परिवार और खेतीबाड़ी से जुड़े कामकाज को निपटा सकें। वहीं विधायक लखनपाल ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए राशन मुहैया करवाने का भी जिम्मा उठाया है, जिसके चलते लखनपाल ने अपने स्थानीय निवास स्थान पर राशन बैंक स्थापित किया है, जिसके माध्यम से आगामी एक या दो दिन के बाद गरीब लोगों तक राशन पहुंचाया जाएगा। जो अभी सामने आ रहा है, कुछ लोग हमारे हिमाचल प्रदेश से बाहर हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। अभी जो कुछ लोग लॉकडाउन की वजह से चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में जो बसे हुए हैं हमारे लोग, अभी फसल का काम शुरू होने वाला है, तो बहुत से लोगों के मुझे टेलीफोन भी आ रहे हैं कि हमें फसल काटने के लिए अब घर आना है, तो हमें उसको घर लाने का कोई प्रावधान किया जाए। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जो ऐसे लोग जो हमारे बाहर रह रहे हैं, जो मेडिकली बिल्कुल फिट हैं, उनका उचित टेस्ट करके जो है उनको अपने अपने घरों में भेज दिया जाए, ताकि वो उन्होंने जो फसल लगा रखी है, अपनी जो मेहनत कर रखी है, ताकि वो मेहनत जाया ना जाए, उनकी फसल कहीं खेत में ना सड़ जाए, उसके लिए भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और उन लोगों को लाने का भी यहाँ विचार करना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी किताबें दूसरे जगह में पड़ी हुई हैं और उनको आज दिक्कत आ रही है, जो सामाजिक कार्यक्रमों के चलते इधर उधर लोग चले गए थे, वो अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा पा रहे हैं, तो उसका भी जो प्रशासनिक जो हमारे अधिकारी हैं उसके बारे में भी वो विचार करें, ताकि उनको वो बारी बारी से यहाँ पे लेके आए, जो बीमार नहीं है, जो ऐसा लगता है सरकार को कि कुछ इनका चेकअप करना है, मेडिकली कोई उनको चेक करना है, तो उनको चेक करके घर ला दिया जाए, ताकि समस्या से दो चार ना होना पड़े उनको। तो ये मैंने आपसे कहना था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जितने भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनको मैं फिर से उनके हौसले की भी मैं दाद देता हूं और उनसे सहयोग की अपील भी करता हूं। सभी लोगों से, जितने भी हमारे राजनीतिक दलों के जितने भी प्रतिनिधि हैं, उन सबसे ये भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने अपने स्तर पर लोगों की मदद करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। को विदित है, सभी को विदित है कि इस समय हम लोग जो है एक बहुत बड़ी महामारी से ग्रस्त हो रहे हैं, और उससे जो चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारी तरफ से प्रयास है, एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में आम जनता के लिए कुछ ना कुछ कार्य करूं, और ये कोई दिखावे के लिए या प्रचार के लिए हमारा मकसद नहीं है। पिछले 5-6 दिनों से हम लगातार जितने भी हमारे डोनर हैं या जो हम व्यक्तिगत अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो डोनेशन भी दे रहे हैं, और साथ में मैं भी अपनी व्यक्तिगत जो हमारी निजी कमाई है उसमें से जितना भी अंशदान हमसे हो पा रहा है उसमें हम कोई आलू, प्याज और अन्य जो सामान है, खाद्य पदार्थ है, उनको बाजार से भी ले रहे हैं, और कुछ हमारे जो प्रधान लोग हैं या स्वयंसेवी जो लोग हैं वो गांव में इकट्ठा करके हमारे तक सामान पहुंचा रहे हैं, या वो SDM महोदय को दे रहे हैं, कुछ लोग हमारे पास भी दे रहे हैं जिसको हम यहाँ पैक करके जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे, ताकि वो आगे जो है जरूरतमंद लोगों को उसको सप्लाई करें। तो ये एक सबका सामूहिक जिम्मेवारी है इस समय में, जहाँ सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है इस चुनौती से लड़ने के लिए, तो इस कड़ी में जो सरकार के प्रति हमारा दायित्व बनता है उसको भी हम निभा रहे हैं। हमने अपनी सैलरी भी उसमें दे दी है, और 30% हमारी सैलरी का हिस्सा जो है वो 2 साल तक कटता रहेगा, वो हमारा उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो उससे हटकर और भी जो हम जनता के लिए कर सकते हैं, या जो बेसहाय लोग हैं जिनके लिए दिहाड़ी मजदूरी करके जो सुबह दिहाड़ी में जाते हैं और शाम को अपना घर बार चलाते हैं, उनको जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए हमने ये राशन बैंक का यहाँ पे काम शुरू किया है, और राशन बैंक के साथ साथ ही हमने सैनिटाइजर, मास्क और साबुन, इसका भी हम भंडारण कर रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे ही अभी खेतों खलिहानों का काम शुरू होगा, कटाई का फसल कटाई का काम शुरू होगा, तो हमारा ये भी निर्णय है कि हम वहाँ गांव तक जो है लोगों को मास्क और साबुन वगैरह इत्यादि हमारा आगे का जो काम चलेगा, और ये
जो राशन बैंक का जो काम है निरंतर चलता रहेगा थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, जैसे जैसे समस्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसा अभी खबरों में देखने को मिल रहा है 7,000 से अधिक लोग जो हैं इससे ग्रसित हो गए हैं हमारे हिंदुस्तान में, और हमारे प्रदेश में हालांकि अपेक्षाकृत आंकड़े कम हैं, लेकिन फिर भी हमें सचेत रहकर आगे बढ़ना है, और हमारी सरकार भी और हमारे सारे नुमाइंदे सभी राजनीतिक दलों के लोग जो हैं इस समय इस गंभीर समस्या से लड़ने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अच्छा।